स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। और आज हम लेकर गए हैं क्लास 12 इंग्लिश, जो आपके रेनबो बुक है उसके जो पोएट्री सेक्शन है, इतने सारे चैप्टर दिए हैं और उनके चैप्टर के राइटर का नाम भी दिए गए हैं। तो आज हम जो है ना, इस पूरे चैप्टर के नाम के साथ साथ जो राइटर का नाम दिया है उसका कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं। अगर ये आप ट्रिक याद कर लेते हैं ना, तो आई गारंटी कि आपका 5 नंबर नहीं छूटेगा। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया था कि प्रो सेक्शन के जितने भी चैप्टर दिया था और जितने भी उसका राइटर का नाम दिया था, उसका एक स्टोरी के माध्यम से ट्रिक हम बना दिए थे। शायद वो आप वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखोगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और आज के भी इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर दिया हुआ और उसके जितने भी राइटर का नाम दिया हुआ है, टोटल आपको पहले हम समझा देंगे और उसके बाद से इसे जो हम ट्रिक तैयार किए हैं वो ट्रिक हम आपको समझाएंगे। और गारंटी के साथ कर रहे हैं कि अगर ये ट्रिक समझ लेंगे ना, तो आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो चाहे प्रो सेक्शन से चैप्टर का नाम देकर के राइटर का नाम से मैच करने को आ जाता है, या पोएट्री से चैप्टर का नाम देकर के और राइटर का नाम मैच करने को आ जाता है। तो चलिए विदाउट एनी लेट लेट्स गो टू स्टार्ट। देखिएगा यहां पर यह है पोएट्री, ठीक है ना। तो देखिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ठीक है ना। तो ये इसके राइटर हैं जॉन डोनी। उसी तरीके से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के हैं वाल्ट विटमन। उसी तरीके से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. Auden। तो ये सारे चैप्टर के नाम के साथ साथ राइटर का नाम दिया हुआ है, आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। और इससे जो हम ट्रिक बनाए हैं वो देख लीजिएगा, इस तरीके से है। आपको एकदम ये ट्रिक आसान लगेगा, और नहीं आसान लगेगा तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगा। देखिएगा किस तरीके से, जॉन किट्स के शहर में, ठीक है ना, शरद ऋतु का मौसम था। तो सबसे पहले यहां पर ठंडा दिमाग से समझ लीजिए, जॉन किट्स। तो इसमें देखिए जॉन किट्स किधर है, जॉन किट्स ये है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जॉन किट्स के, देखिए अब यहां पर क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा वर्ड मीनिंग याद करना होगा। देखिए ऑटमन का मतलब होता है शरद ऋतु, ठीक है ना। तो ऑटमन मतलब होता है शरद ऋतु, तो ये याद करना होगा। अगर आप जिस तरीके से AppleE एप्पल मतलब सेब, CAT कैट मतलब बिल्ली, तो सीधी सी बात है, अगर आपको 5 नंबर लेना है तो ये जितने भी हैं इसमें जहां जहां आपको दिक्कत हो रहा है वर्ड मीनिंग में, आप उसको याद कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा तो ये आइडिया आपको दिमाग में फिट हो जाएगा और 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए जॉन किड्स, तो देखिए मैंने क्या ट्रिक तैयार किया, जॉन किड्स के शहर में शरद ऋतु का मौसम था। तो सीधी सी बात है, शरद ऋतु टू ऑटमन, और जॉन किड्स से हो गया आपके क्या चीज, राइटर का नाम। तो जॉन किड्स के शहर में शरद ऋतु का मौसम था, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि जॉन किड्स शरद ऋतु के राइटर हैं, ठीक है ना, यानी टू ऑटमन के राइटर हैं। और तो और को तो छोड़ दीजिए, ऑडेन के पेड़ से पत्तियां तेजी से झड़ रहा था। तो देखिए फास्टिंग लीफ जैसे आएगा ना, फास्टिंग लीफ देखिए इधर कहां है, फास्टिंग, देखिए फास्ट माने तेजी से, तो देखिए फास्ट है ना, फास्ट, ठीक है ना, फॉलिंग फास्ट, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो सीधी सी बात है, पत्तियां, देखिए लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से झड़ रहा था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या लिखे हम, ऑडेन के पेड़ से, तो ऑडेन हो गए राइटर का नाम, पेड़ से पत्तियां तेजी से झड़ रहा था। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि फॉलिंग फास्ट लीव्स, क्या चीज, तेजी से झड़ रहा था पत्तियां, तो ये ऑडेन है, ठीक है ना। तो जब ये आप याद किए रहेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में ये बात आ जाएगी कि हाँ, ऑडेन के पेड़ से पत्तियां तेजी से झड़ रहा था, मतलब कि लीव्स आर फॉलिंग ऑडेन इसके राइट। ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो डायलॉग है वो थोड़ा सा समझते हैं। इलियट के बिल्ली, आइए देखते हैं इलियट और बिल्ली। तो देखिएगा इलियट कहीं दिखा है जी, तो यहां देखिए द माइस्ट्री कैट, तो कैट और इलियट ये मिल रहा है कि नहीं, तो देखिएगा द माइस्ट्री कैट के जो राइटर हैं वो टी एस इलियट है। तो यहां देखिएगा इलियट के बिल्ली, जैसे ही दिमाग में ये बात रहेगी ना इलियट के बिल्ली, तो समझ में आ जाएगा कि ओ इलियट जो है ना राइटर है, और उसके बाद से कैट नाम से कोई चैप्टर है जिसका नाम है द माइस्ट्री कैट, ठीक है ना। तो द माइस्ट्री कैट से हो जाएगा इलियट, उसके राइटर हैं, ठीक है ना। तो इलियट के बिल्ली और लॉरेंस का सांप, लो इलियट के बिल्ली और लॉरेंस का सांप, तो लॉरेंस सीधी सी बात है चैप्टर के राइटर का नाम है, तो लॉरेंस राइटर का नाम है और सांप चैप्टर का नाम होगा। तो यहां देखिए कहीं, देखिए यहां पर लॉरेंस कहीं है कि नहीं है, स्नेक, हाँ देखिए यहां पर 9 नंबर चैप्टर का नाम है स्नेक, सांप, और ये लॉरेंस। तो जहां भी देखिएगा कि लॉरेंस का सांप, बस इतना दिमाग में रखना है कि लॉरेंस का सांप, तो लॉरेंस का सांप मतलब कि स्नेक नाम के जो चैप्टर है पोएट्री, उसके राइटर हैं लॉरेंस, D.H. लॉरेंस। अब चलिए यहां तो क्लियर हो गई, दोनों एक साथ रहने में दिक्कत है, तो ये छोड़ दीजिए, बस इलियट का बिल्ली और लॉरेंस का सांप हो गया बस। अगर इतना छोड़ करके, ठीक है ना, इतना छोड़ करके खाली इलियट के बिल्ली और लॉरेंस का सांप भी याद रखिएगा, समझ में आ गया, इलियट के बिल्ली लॉरेंस का सांप, इलियट के बिल्ली लॉरेंस का सांप, बस क्लियर। यहां से आपको डायरेक्ट 2 चैप्टर क्लियर। दारू वाला का भजन,
और विटमन का गाना, ठीक है ना, विटमन का गाना। तो देखिए दारू वाला का भजन, तो आपको दारू वाला देखिए किधर दिया है, दारू वाला किधर दिया है, देखिए यहाँ दारू वाला, दारू वाला देखिएगा, केकी एन दारू वाला। तो दारू वाला से पूरा नाम याद आ जाएगा, केकी एन वहां पर लिखा भी रहेगा, तो दारू वाला से ही दिमाग में आ जाएगा। और दारू वाला, ठीक है ना, और फायर हाइमेन का मतलब क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर फायर हेमन का होता है भजन, फायर हेमन का हिंदी होता है भजन, ये आपको याद कर लेना। फायर हेमन मतलब होता है भजन, हाइमन मतलब होता है भजन। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हाइमन का हिंदी होता है हाइमन मतलब भजन, तो यहाँ दारू वाला का भजन, तो सीधी सी बात है दारू वाला का भजन। तो यहाँ पर जो फायर हाइमन के राइटर हैं वो दारू वाला है, कौन है जी, यहाँ पर फायर हेमन का राइटर है दारू वाला। अब चलिए और विटमन का गाना, तो विटमन का गाना भाई विटमन सॉन्ग तो जरूर कहीं लिखा होगा, और विटमन हाँ यहाँ आ गया, देखो यहाँ पर सॉन्ग ऑफ माई सेल विटमन, तो देखो विटमन और सॉन्ग ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखिए आप लोग देखिए, खुद देखिए दिमाग लगाइए, विटमन का गाना, विटमन का गाना, दारू वाला का भजन और विटमन का गाना, दारू वाला का भजन और विटमन का गाना, दारू वाला फायर हाइमन, हाइमन मतलब भजन, और उसके बाद से विटमन का गाना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जिसका राइटर है वाल्ट विटमन, तो देखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमन, तो विटमन का गाना, तो विटमन से याद आ जाएगा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक चैप्टर है जिसका राइटर है विटमन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आप देखिए, कमला दास के मकान में ब्रूक सैनिक के याद में गाया गया था, देखिए दारू वाला का भजन और विटमन का गाना, ये जो भजन और गाना जो था ना वो कमला दास के मकान में, तो मकान से याद आ जाएगा किसी का मकान और कमला दास राइटर का, तो यहाँ देखिए अभी देखते हैं, हाँ मकान मकान देखिए मकान हाउस आ गया, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी का मकान, तो यहाँ पर देख ये छोड़िए ना, ये इतना छोड़ दीजिए ना, डायरेक्ट हाउस से याद आ जाएगा मकान, मकान से कमला, तो देखिएगा किसी मकान नाम का जो चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस यानी मेरी दादी का मकान के राइटर हैं कमला दास, तो यहाँ पर देखिए कमला दास के मकान, तो मकान से याद आ जाएगा पूरे चैप्टर का नाम और कमला से याद आ जाएगा कि उसके राइटर हैं, तो कमला दास के मकान में ब्रूक सैनिक के याद में गाया गया था, ब्रूक सैनिक तो देखिएगा ब्रूक और सैनिक, तो सीधी सी बात है ब्रूक नाम का कोई राइटर होगा और सैनिक नाम का कोई चैप्टर होगा। देखते हैं भाई सोल्जर किधर है भाई, देखते हैं अभी देखते हैं किधर है, हाँ राइट आ गया, यहाँ देखिए द सोल्जर, यहाँ देखिए ब्रूक, अब यहाँ देखिए रूपर्ट ब्रूक है, तो ब्रूक से याद आ जाएगा सोल्जर, ठीक है ना, देखिए ब्रूक सैनिक के याद में गाया गया था, देखिए दारू वाला का भजन और विटमन का जो गाना था वो कमला दास के मकान में, कमला दास के मकान से आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा कि मकान दादी का मकान और कमला दास उसके राइटर हैं, ये याद आ जाएगा, और ब्रूक सैनिक के याद में गाया गया था, मतलब ब्रूक और सैनिक साथ में मिल रहा है, इट्स मीन दैट कि यहाँ पर ब्रूक सैनिक, यहाँ पर जो सोल्जर है, सोल्जर के राइटर कौन है ब्रूक, ठीक है ना, तो ब्रूक सैनिक के याद में गाया गया था। अब ये सारी बातें जब आपको समझ में आ गई ना, तो अब यहां पर देखिए क्या, दिस इज एन इपिटाफ, यह एक समाधि लेख है, माने थोड़ी देर के लिए समझिए कि यह एक समाधि लेख है, हालांकि ये तो एक हम लिरिक्स तैयार किए हैं जिससे आपको पूरा पोएट्री के चैप्टर के नाम के साथ साथ राइटर का नाम याद हो जाए, लेकिन इसको थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कि ये एक इपिटाफ है, मतलब ये एक इपिटाफ, ये एक समाधि लेख है, मतलब यह एक समाधि लेख है, ठीक है ना, ये एक समाधि लेख है जो किसके द्वारा लिखा गया है, वाल्टर डीला मेयर के द्वारा लिखा गया, यानी मेयर हमने लिख दिया, तो दिस इज एन इपिटाफ रिटन बाय वाल्टर डीला मेयर, तो यहां पर क्या हो गया देखिए एन इपिटाफ, ठीक है ना, ये समाधि लेख वाल्टर डीला मेयर, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया, ये पूरे जो है ना ये समाधि लेख ये वाल्टर डीला मेयर के द्वारा, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि एन इपिटाफ नाम का जो चैप्टर है उसके राइटर है वाल्टर डीला मेयर। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, अगर लगा होगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।